वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें जी, इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, मैंने अपने इंट्रो चेंज की हुई है, लेकिन हमारे घर में जितने घर में कह लें या हमारे ग्रुप में कह लें, सब ने अपना तकिया कलाम एक ही रखा हुआ है। मैं आपसे सीखे अच्छा जी, मैं इनसे कहता हूँ कि इंट्रो जो है ना लंबी ना रखें, क्योंकि देखने वाले बहन भाई कहते हैं भाई इंट्रो बिल्कुल छोटी सी हो, सलाम लें और व्लॉग का आगाज कर दें, तो ये चीज़ होती है। मैं अब ऐसे ही करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब की? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें जी, इसके साथ ही अपने व्लॉग का करते हैं आगाज। मैं ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन अच्छा जी वो वक्त और था, वक्त वक्त की बात होती है, ठीक है ना? बड़ा मजेदार सी लड़की ऐसी, भाई फिर तुम मस्जिद क्यों नहीं संभाल लेंगे? अच्छा जी, उन्हें देखने वाले बहन भाई जो थे ना, वो कहते थे भाई आप जो है ना दुआ हमारे लिए भी करें, हमारे लिए भी करें। स्टूडेंट कहते थे जी आप दूसरों को दुआएं देते हैं, हमारे लिए भी दुआ किया करें। तो किसी के एग्जाम चल रहे थे, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, मैं ना इस तरह ही इंट्रो करता करता 5 मिनट गुजार देता था। अब वक्त और है, अब देखने वाले बहन भाई बस कहते हैं जी अब व्लॉग बनाएं। तो चलें जी, हम जा रहे हैं, मैंने लिए भी जाना है कुछ काम से, और इसके साथ साथ इन लोगों को भी घर छोड़ के आना है। ये टूर पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये आप इनके व्लॉग में ही देख सकेंगे। तो अच्छा जी, अभी जो है ना हमने घर से चल पड़े हैं, और थोड़ी देर तक हम लोग पहुंच जाएंगे जी। नहीं, रोटी खा के जाए जी के भाई फियाज। अच्छा जी, आप ही उन्होंने पहुंचा दिता वा इतने, भाभी मैं भी सुना दे घर आंटी उन्होंने को। तो हूँ बाजी पहले तो कह रही थी उन्होंने घर ही छोड़िए, मैं क्या भी मेरे को टाइम नहीं है, तुम इतने हजे बैठना वा झट, तो मैं चली हाँ घर, चाय पी ली आ। हाँ जी चलो चलो जी, ये पहुँचा के आओ इन्होंने घर हो। भाभी मैं वैसे तुम पहुँचा के आनी गंडली। हाँ जी, कितने हो समान जी? अभी घर पहुंच गया हूँ मैं, और मिस्त्री भाई जो ना लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। घर पहुंच गया हूँ मैं, और अभी जो है ना इनके मालिक साहब जो हैं अब्बास साहब, चौधरी अब्बास साहब, वो घर पे नहीं है, अभी देख रही हैं मुझे, लेकिन मैंने कभी दूध नहीं निकाला इनका। अम्मी जी और अब्बू जी निकालते रहे, बड़ी मुश्किल से दूध निकाल के लेके गए हैं इनका। चोकर वगैरह इनके लिए वंडा शंडा लेके आया हूँ मैं, कि भाई अब्बास जो है ना टूर पे चले गए हैं, तो चलें जो है ना इनकी देखभाल अब हम करेंगे। चलो अल्लाह खैर करे, प्लास्टर होवे बस, ते पीछे फिर यही काम हो। और ला हवाई जहाज। अच्छा जी, भाभी और आप ही चले गए हैं, और अम्मी जी ने अभी खाना बनाया है। अम्मी जी, देसी मुर्गे का शोरबा? अच्छा, देसी मुर्गे का शोरबा है, साथ में चटनी बनाई है, क्योंकि शोरबा और साथ में चटनी होना बड़ी मज़े का सारा बनता है, फिर कम्बिनेशन इनका बहुत ज़बरदस्त। तो अभी जो है ना धुआँ, इस वजह से आपको रिजल्ट सही नज़र नहीं आ रहा होगा, इधर धुआँ है इस वजह से। अच्छा जी, मुझे जो पसंद है ना, कल भी देसी मुर्गा ही खाया था, तो अभी वो पड़ा था, क्योंकि सुबह सुबह हम चले गए थे, बाद में कोई भी घर नहीं था, इस वजह से ये पड़ा है अभी।
देसी मुर्गी का शोरबा थोड़ा सा है, मैं और अबू जी और अम्मी जी हैं। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, अभी खाने अभी जो है ना खाना खाने लगा हूँ मैं। इधर आग जलाई हुई अम्मी जी ने हुक्के के लिए, उसके लिए अंगारे चाहिए। चलो जी बस करो, लाले जी ने भी दियो। अच्छा जी, अम्मी जी कह रहे हैं सुबह का टाइम ही नहीं मिलिया क्योंकि असी चले गए सी, सारे बाजी होनी भी भाभी भी भाई बास भी, तो मैं हूँ वापस आया वहाँ, तो अम्मी जी काम लगे रहे सारा दिन। मतलब दुध नहीं डोल देता, असल चो भाई बास के हाथ लगे हाँ जी दुध निकलता रहे ना तो गावां मझा कहंदी ओही बंदा साडा दुध निकाली, दूसरा बंदा निकालन जावे तो वह जिहड़ा ना अपनी लत्तां मार दियां वा फिर बंदे दे के परां हो जावे। मैं शामी गया ते ओ दे इतना कट कट देख रही सी, मैंने भी खरिया आ गया बस अच्छा जी। हुण अम्मी जी हुण दा टाइम लग्गिया वा ते हुण जिहड़ा ना हुक्का धर रहे ते असी हुण चाय पीवांगे फिर पानी बनांगे। अच्छा जी बिस्तर च पिया सी, थोड़ी देर पहले उठिया वा, रोटी शोटी कर दी है, तो हूँ जो है ना असं अपनी तैयारी कर रहे हैं पानी शानी लाने की, तो पानी शानी लाते अम्मी जी बाजी समेरा ने गल कर रहे हैं, बाजी की कॉल सी कि अम्मी जी ने गल करवायो। अच्छा जी ट्यूबवैल चला दिया है और मैं अबू जी पानी लगाने लगे हैं। अच्छा जी रात को इसी तरह होता है, हम लोग सही सही रात भी पानी लगाते रहते हैं, हमारी जो पानी की बारी है ना बस वो सारी रात ही समझ लें हैं। हमने डबल काम किया हुआ है, सोलर पे दिन को चलता है, रात को जो है ना हम लोग इधर चला लेते हैं, ट्रैक्टर पे भी चलता है, दिन को भी चल सकता है रात को भी चल सकता है, सोलर डबल कनेक्शन किया हुआ है। उधर से उधर पड़ी है मोटर, इधर है ये निज़ाम चरखी वाला, तो डबल निज़ाम हमने बनाया हुआ है जी। बिल्कुल स्लो चलाया है क्योंकि नहर का भी पानी है, फिर जो है ना पानी टूट बहुत ज़्यादा जाता है, इस वजह से बिल्कुल स्लो स्लो चलाया हुआ है। ये देखें जी इतना पानी है, जी पानी लगा रहा हूँ मैं, तो ये होती है जी रूटीन हमारी। पहले भैया बासुर भाई जी भी लगाया करते थे, भैया बास आज है नहीं और उनको मसला है थोड़ा मोरों का, तो अब मैं जो है ना लगाता हूँ पानी। तो अभी मुझे इजाज़त दें, ब्लॉग का यहीं पेंड करते हैं, मैं पानी शानी लगा लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ओके जी अल्लाह हाफिज़।